बचपन में एप्लीकेशन लिखा था छुट्टी के लिए लीव, और अब एसडीएम ऑफिस के लिए लिखना पड़ रहा है ई पास के लिए। सो गाइस भैया तैयार होकर के जा रहा है डंडे खाने, डंडे खाने क्योंकि डंडे नहीं खाएगा भैया, जा रहे हैं मम्मी तरह ई पास बनवाने के लिए। अब इसकी शादी के लिए हमें तैयारी करने के लिए थोड़ा मूवमेंट करना होगा ना, इधर उधर जाना होगा, सामान लेना होगा, जाते ही डंडे ना पड़े इसीलिए ई पास बनवाने के लिए भैया जा रहा है। और हम सब बहुत डरे हुए हैं क्योंकि कर्फ्यू लगा है, बाहर जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है। बाहर तब जा सकते हो अगर आपके पास ई पास हो, लेकिन ई पास बनाने के लिए तो बाहर जाना पड़ेगा ना, इसीलिए बोले मेरे के लिए चलो। अगर मालिक नहीं, ई पास जो है, ई पास ऑनलाइन तो बन रहा है, ई पास बन रहा है, मगर शादी के पास के लिए उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है कि ई पास, जैसे हम कोई बाहर जा रहे हैं उसके लिए हमको ई पास चाहिए, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा। तो लास्ट ऑप्शन केवल यही बचेगा, हम शादी के कार्ड लेके जाएंगे, शादी के कार्ड लेके उनको दिखाएंगे भाई हम ये कार्ड है और हम जा रहे हैं आईटी ऑफिस जा रहे हैं शादी का पास बनवाने के लिए। देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। भैया तो जा रहे हैं लेकिन हम लोग के दिल की धड़कन अभी थमी हुई है, रुकी हुई है, डरे हुए हैं हम लोग। सेफ्टी से जाना, सेफ्टी से आना, कार्ड लेके जाते खाना। हाँ। Hey guys, good morning, मैं रेडी हो गई हूँ, आलू बीन्स की सब्जी रेडी है, दाल चावल भी रेडी है, लंच का टाइम हो गया, थोड़ी देर में हम सारे मिलकर लंच करेंगे। फिलहाल मैंने अपनी बॉटल भर ली है, एक्चुअली ये बॉटल अमित की है, और दीदी जब मेरे से पानी मांगा था मैं लेके आई रही थी, तब तक दीदी आ गई है, इसलिए भूल गई कि आप आई लेना, मैं लाई रही थी। और मेरा बॉटल रेडी है, सो मिलती हूँ थोड़ी देर में, तब तक के बाय। सो भैया आ गया यहाँ पे। भैया क्या गुड न्यूज़ लाया है, बैड न्यूज़ लाया है, क्या लाया है? गुड न्यूज़ केवल यही है कि जो पास है वो कार्ड ही आपका पास है, मतलब ई पास की जरूरत नहीं है। नहीं, वो उन्होंने आईटीएम ऑफिस के बाहर नोटिस लगा रखा, और फिर मैंने उनसे भी पूछा कि कार्ड अगर आप किसी के पास दे के नहीं आ सकते तो क्या करें, बोला आप उसको व्हाट्सएप कर सकते हो, तो व्हाट्सएप पे दिखा के डिजिटल वाला भी चलेगा। खुश तो बहुत हो गए आप? बहुत। घर नहीं जाना पड़ेगा एक तो, हाँ, एसडीएम ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, हाँ, एप्लीकेशन भी लिखवाई गई बहुत सारी, हाँ, एप्लीकेशन भैया लिखवा करके लेके गया था, वो वेस्ट हो गया। कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस तो मिला ना तुझे एप्लीकेशन लिखने का। हाँ, मेरे बच्चे बहु थोड़ा सा टेंशन कम हुआ, आप भी देखते हैं क्या पता बजाओ आए कि नहीं, अगर उन लोग को जाने देगी कि नहीं देगा, थोड़ा सा एक घंटा भी बचाने देगा तो अच्छा है, अगर वो नहीं मिलेगा तो ढोल बजाएंगे खुद ही, अमित दूल्हे के गले में ढोल लटका देंगे, वो अपने ढोल बजाएगा और जाएगा। ढोल ले आओ, बजाओ, नाचो कूदो, खूबे थोड़ा सा कम ही दिन रह गया, ढोल लाओ, नाचो कूदो, दूल्हा सैड क्यों है? अभी कुरियर वाला आया था और उसने मेरी ड्रेस डिलीवर कर दी है, फिटिंग ऑल्ट्रेशन सब हो गया है, मैं इसको पहन करके मेजर करके देखती हूँ कैसे नहीं, और बाकी घर वालों को भी दिखाती हूँ। ये रही मेरी ड्रेस, वाह, अरे मच्छरदानी, मच्छरदानी नहीं नहीं बहुत सुंदर है। हाँ पापा मच्छरदानी बोल रहे हैं मेरी ड्रेस को, मैं पहले बार देख के आई, कितना अच्छा है समुद्र में मछली। सो गाइज लेट मी टेल यू हाउ टू क्रिएट दिस ब्यूटीफुल समर लुक। कौन सा लिप और आई शेड मैंने यूज़ किया है, क्योंकि पर्पल पे चल रहा है अप टू 50% ऑफ ऑन मेकअप स्टेशन सेल, एक्स्ट्रा 10% ऑफ ऑन कूपन कोड GET100, तो आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। मैंने यहाँ पे शुगर की ये वाली लिपस्टिक लगाई है, बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है इसका, और बहुत ही स्टोरी पैकेजिंग में आता है, एकदम पिंक कलर है, लॉन्ग लास्टिंग है, हाईली पिगमेंटेड। देन शुगर का आई लाइनर यूज़ किया है जो कि फिल टिप आई लाइनर है, अगेन लॉन्ग लास्टिंग है एंड ईजी टू अप्लाई। जितने भी प्रोडक्ट्स मैं दिखा रही हूँ सबका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एंड देन मैंने यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का मेगा क्लियर मस्कारा यूज़ किया है, जो एकदम क्लियर मस्कारा है, और इस सबसे अच्छी बात कि समर्स में आपका मस्कारा मेल्ट होकर के निकलता है ना, ब्लैक अगर लगाते हो तो आँखें काली दिखती है, इससे आँखें काली नहीं दिखेंगी और लैशेज़ को अच्छा वॉल्यूम भी देता है। एंड मैंने नेल्स पे NY Bae का नेल पेंट लगा रखा है जो बहुत ही अच्छे शेड में है। इन सब पे बहुत अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं। एंड गाइस पर्पल पे एक और ऑफर चल रहा है जिसके अंदर 10,000 लकी विनर्स 5 लाख कैश बैक जीत सकते हैं अंटिल 28 अप्रैल, अप टू 1,000 पर यूजर क्रेडिट इन पर्पल वॉलेट। ऑल्सो गुड ऑफर्स आर रनिंग ऑन स्टैम्प कलेक्शन एंड डेली रिवॉर्ड्स, सो एंड द मेकअप बिग सेल पे अप टू 40% ऑफ आपको मिल जाएगा। और बहुत ही जल्दी आई हार्ट ब्यूटी सेल भी आने वाला है, उसके लिए भी आप अपनी विश लिस्ट रेडी रखो। एंड आई हार्ट ब्यूटी सेल जैकपॉट के अंदर तो आप बहुत सारे ऑफर्स जीत सकते हो। NYBAE पे बाय 2 at MRP get 2 free, ये वाला ऑफर चल रहा है। शुगर पे 10% ऑफ एंड काजल फ्री मिलता है, आप ट्राई कीजिएगा। गाइस मैंने अपनी ड्रेस पहन ली है और अब मैं यहाँ पे सबसे पूछूंगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो सबसे पहले मम्मी बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? तो आओ ना मेरे पास, तो हीरोइन लग रही है, नजर ना लगे। भाभी को क्या हुआ? अरे क्या हुआ? सच में अच्छा लग रही है। खूबसूरत चार चांद लग गए। क्या हो, इनके आंसू आ गए, रो पड़ी। मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ, मेरे भाभी रो पड़ी, मेरे को खुशी है। ड्रेस अच्छा है मेरे बहुत बच्चों, भर भर कर बाद आप लोग के ड्रेस तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग कमेंट करके बताना इसका ड्रेस रेखा कैसा लग रहा है, मौसी कैसी लग रही है, तो क्यों सोच रहे हो ड्रेस कैसी लग रही है? दिखाना पड़ेगा तुझे, दिखा दिखा। नहीं 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 गाइस, इसके हाथ में कुछ था, मैंने कहा किसका है, कहता मेरा है। अगर ये तेरा है तो हम व्यूअर्स को दिखाएंगे। अमित अपनी जेब में ये लेके घूमता है, ये पिंक कलर का, ये और इसके अंदर एक मिरर है। ये देखो हमारा दूल्हा शादी के जोश में। अब कह रहे मिरर, ये कैमरा नहीं है। इससे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ढोलक के साथ गीत वीत गाना। पापा मेरे लिए ढोलक ले आओगे? मेरा ढोलक आ गया, मैंने पापा से ढोलक मंगवाया था, ले आए। थैंक यू पापा, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेते हो आप। हम लोग बजाएंगे और कौन बजाएगा? रुक जाओ, उधर बैठ। गाइस पीछे पैसे उसे इग्नोर करना, क्योंकि शादी का घर है, बहुत सारे काम एक साथ चल रहे हैं, टाइम नहीं मिल रहा। टाइम मिलेगा तो उसको सेट कर देंगे। फिलहाल ये ढोला है, मैंने फटाफट से सबको बोला काम छोड़ो, थोड़ा सा ढोल बजाते हैं, थोड़ा मजा करते हैं। मैं लेके बैठी हूँ, मुझे आता नहीं है तो ये नवम भी जाएगी। दूल्हे को भी बिठा दिया। आज की वीडियो यही संगीत से खत्म करते हैं।